भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं शिखा। आइए देख लेते हैं आज की खास खबर। इंदौर शहर के एक परिवार को लुटेरी दुल्हन ने फिर अपना शिकार बनाया और 10 लाख रुपए नकद और 3 लाख के गहने लेकर फरार हो गई। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर युवती की तलाश शुरू कर दी है। इंदौर जिले की सभी तहसील जूनी इंदौर, कनाडिया, बिचोली, हप्सी, मलारगंज, खुड़ेल, राव, डॉक्टर अम्बेडकर नगर, महू, सांवेर, दयालपुर व हाथौद में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 9425046807। दरअसल इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र निवासी संजय और उनके पिता अरुण कुमार के साथ लुटेरी दुल्हन ने इस घटना को अंजाम दिया है। गौरतलब है कि संजय के पिता के मित्र राजेश डागर ने काजल गिरी रूपा गिरी से मुलाकात करवाई और रूपा की बेटी आहना की शादी संजय से करवाने के एवज में 10 लाख रुपए ले लिए और अगस्त महीने में शादी करवा दी है, जिसके बाद दुल्हन आहना ने संजय से उज्जैन घूमने की डिमांड की, जहां उज्जैन घूमने के दौरान संजय को कोई नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर दिया गया और दुल्हन 3 लाख रुपए के गहने लेकर फरार हो गई। इस मामले में अरुण कुमार और दूल्हे संजय ने एरोड्रम थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं पुलिस आरोपी लुटेरी दुल्हन की तलाश करने में जुटी हुई है। दीपक छाबड़ा की रिपोर्ट। देखिए, कल एक फरियादी आए थे जो अहमदाबाद गुजरात के रहने वाले थे। इनके द्वारा एक शिकायत पेश की गई थी कि इंदौर में कुछ मीडिएटर द्वारा उनके पुत्र की शादी करवाई गई थी इंदौर की एक लड़की से। तत्पश्चात शादी के पश्चात जो महिला थी, जो दुल्हन थी, उसका व्यवहार परिवारजनों के प्रति काफ़ी ख़राब होता गया और एक दिन सुबह सुबह वह जो भी ज्वेलरी रहती है और जो भी कैश रहता है कुल 10 लाख के आसपास का मशरूका लेके चली गई। तत्पश्चात इन्होंने अपने लेवल पे लड़की को ढूंढने का प्रयास किया। इसके अलावा जो मीडिएटर ने शादी कराई थी उनका भी, उनको भी ढूंढने का प्रयास किया, लड़की के परिजनों को भी ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन इनके लेकिन ऐसा कोई भी परिजन इनको मिला नहीं। तत्पश्चात इनके द्वारा थाने पे आके एक शिकायत पेश की गई कि भी इनके साथ ऐसे ऐसे फ्रॉड किया गया है शादी के नाम पे। तो पुलिस ने कल इसमें एक मामला कायम कर लिया है और FIR चूंकि कल दर्ज हुई है तो आज हमने टीम इसमें लगाई है आरोपियों को पकड़ने के लिए। देखिए, अभी फरियादियों का ऐसा कहना है कि इस प्रकार का घटनाक्रम लड़की द्वारा पूर्व में भी कई लोगों के साथ किया जा चुका है, बट चूंकि अभी आरोपी लोग हिरासत में नहीं आए हैं, जैसे ही हिरासत में आएंगे तो हम फर्दर खुलासा कर पाएंगे कि इसमें और इस प्रकार के घटनाक्रम को कितनी बार इनके द्वारा अंजाम दिया गया है। हाल फिलहाल तो अभी हमने एरोड्रम में ही ये थाना में शिकायत दर्ज की है, आगे जैसे और खुलासे होते हैं तो जिस जिस संबंधित थाने में होंगे उसमें FIR दर्ज की जाएगी। आपके गाँव, शहर, प्रदेश और देश की चुनिंदा दिलचस्प खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें भारतीय न्यूज चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खबरें पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।